प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संबोधित करेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं योगी, सुनिए। आप सभी मतदाता भाइयों बहनों का यहां पर इसी बात के लिए आह्वान करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, विगत 5 वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने जो कुछ भी किया है, हम इसलिए सफल हुए हैं क्योंकि मतदाता भाइयों बहनों ने आस्था पार्टी को खूब टोक ठोक बजा करके दिया था, इतना समर्थन दिया था, इतना समर्थन दिया था कि भाइयों बहनों 325 सीट भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ जीती थी। और 325 सीट का मतलब आप सब जान सकते हैं, एक मजबूत और एक दमदार सरकार थी। भाइयों बहनों, जब मजबूत और दमदार है तो एक हाथ में विकास की छड़ी लेकर के चलती है और दूसरे हाथ में बुलडोजर भी साथ साथ चलता है। दोनों जब साथ चलते हैं तो विकास दिखता है और लोक कल्याणकारी और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर महिला तक पहुंचता हुआ दिखाई देता है। और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने, एक मजबूत और दमदार सरकार आपको प्रदेश के अंदर 5 वर्षों में दी। भाइयों बहनों, इससे पहले जो सरकार आई थी समाजवादी पार्टी की, भाइयों बहनों, जनता जनार्दन ने उसे आशीर्वाद तो दिया था लेकिन वह मजबूत नहीं थी, वह मजबूर थी, दमदार थी। और इसीलिए पहला फैसला ही उसने लिया था हमारे आराध्य भगवान श्री राम के मंदिर पर आतंकी हमला करने वाले आतंकियों को वापस लेने का कार्य किया था। याद करिए, अभी 3 दिन पहले अहमदाबाद की एक न्यायालय ने 38 आतंकवादियों को फांसी की सजा दी है, 12 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इनमें से 9 आतंकवादियों का संबंध उत्तर प्रदेश से है और आजमगढ़ के एक आतंकवादी जिसको फांसी की सजा हुई है उसका संबंध समाजवादी पार्टी से है। भाइयों बहनों, फर्क साफ है, भारतीय जनता पार्टी का हाथ मत अन्नदाता किसानों के साथ। 2017 में जब हम आए थे हमने पहला फैसला क्या लिया था, अन्नदाता किसानों की कर्ज माफी का। 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ हुआ था और कर्ज माफी के साथ ही अभी पिछले दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आए थे बलरामपुर में, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना 4 दशकों से लंबित थी, उसे राष्ट्र को समर्पित किया है। 5 वर्ष में 22 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा अन्नदाता किसानों को प्रदेश के अंदर दिया है, 1,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान के खातों में गया है, तो 80,000 करोड़ रुपए धान और गेहूं का किसानों से खरीद करके उनके खाते में देने का काम डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के अन्नदाता किसानों को किया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार का पहला फैसला अन्नदाता किसानों के लिए समर्पित था। हमारी सरकार का पहला फैसला एंटी रोमियो स्क्वाड के माध्यम से प्रदेश की बेटियों की सुरक्षा के लिए था और हमारी सरकार का पहला फैसला हम गौ माता को कटने नहीं देंगे और अन्नदाता किसानों की फसलों को भी नहीं देंगे। इस संकल्प के साथ प्रदेश के अवैध बूचड़ खानों को 24 घंटे के अंदर बंद करवाने का काम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया था। किया था कि नहीं किया था, आप मानते हैं ना?
लेकिन समाजवादी पार्टी ने क्या किया? पहला काम था उसका आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का, दूसरा कार्य था पेशेवर अपराधी और माफिया जो सत्ता के संरक्षण में गरीबों का शोषण करते थे, व्यापारियों के ऊपर बम दंग करवाते थे, कर्फ्यू लगवाते थे, उन सभी को वह सरकार प्रश्रय देती थी। और पांच साल के अंदर आपने देखा होगा, पांच साल में एक भी दंगा नहीं। बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 364 दंगे हुए, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 700 से अधिक दंगे हुए, सैकड़ों लोग मरे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आती है, उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं होता है। और ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने, क्योंकि आने के बाद ही संदेश दे दिया था कि अगर दंगा करोगे तो नोटिस भी आएगी, नोटिस आएगी तो भरते भरते 7 पीढ़ियां बीत जाएंगी लेकिन उसकी भरपाई नहीं कर पाओगे और चौराहे पर फोटो अलग से चस्पा होगा। भाइयों बहनों, आज मैं आपको बताने के लिए आया हूं, आज प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगता, बाजारों में बमबाजी नहीं होती, कर्फ्यू ने ले लिया है। और हर हर बम बम के साथ जब कावड़ यात्री निकलता है तो भाइयों बहनों पूरा प्रदेश भगवान शिव के भक्ति में ऐसा लीन होता है जैसे लगता है उत्तर प्रदेश विकास की एक नई यात्रा की ओर प्रस्थान कर रहा है। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है और इस नए भारत के नए उत्तर प्रदेश ने आज प्रदेश के अंदर सुरक्षा का माहौल दिया। तो पेशेवर माफिया और अपराधी जो दंगा कराते थे, अराजकता फैलाते थे, उनके लिए भी बुलडोजर का इंतजाम किया। दोनों एक साथ यात्रा चल रही है, एक्सप्रेस हाईवे भी बन रही है। आप याद करिए, देवीपाटन कमिश्नरी में 4 जनपद हैं और 3 मेडिकल कॉलेज बनने जा रहे हैं। आपके बहराइच में महाराज सुहेलदेव के नाम पर मेडिकल कॉलेज संचालित हो गया है, गोंडा में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हो गया है और बलरामपुर में मैं भी मेडिकल कॉलेज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर बन रहा है। भाइयों बहनों, आज आस्था का सम्मान होता है। अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन, वृंदावन और बरसाना में रंगोत्सव का कार्यक्रम, काशी में देव दीपावली, प्रयागराज में भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ, ये सब दर्शनीय होता है। तो बहराइच के प्रयागपुर से आप सुन रहे थे।